111 पेज है। इसकी भूमिका कल हो चुकी थी, इसलिए आज हम सीधे गीतिका में और उसके बाद इसका मूल पाठ। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी नारिश्च ने मीने कहा। राजी मती के बोध से संयम टिका रथ ने मिका। श्रेष्ठ कुल के साध्वी वो शील की थी रक्षिका। श्रेष्ठ कुल के साध्वी वो शील की थी रक्षिका। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। सौरीपुर में समुद्र विजय थे राजा वैभवशाले, महायशस्वी अरिष्ट नेमी सुत लक्षण गौरवशाले। महादमेश्वर लोकनाथ के दर्शन से सुख पालो, जीवन जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। सातवां सूत्र है, अरिष्ट ने मिने त्यागी अपनी परिणय की अब इच्छा। भावी अनिष्ट देख कर सोचा दीक्षित होना अच्छा। स्वर्ग से देव उतर कर आए उत्सव आज मना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। पंद्रवा, अगंधन कुल के सर्प कभी भी वमन किया नहीं खाते। अग्नि में जल जाते हैं पर कुल नहीं दाग लगाते। भोग त्याग कर फिर ललचाना शैव से आँख गड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब मूल पाठ। नमोत्थोणम समणस भगवो महावीरस सूर्यपुर नैरे आसीराया महडिये वसुदेवती नामेनम राय लखन
तस भज्जा दुवे आसी रोहिणी देवै तहा तासिम दोनम दुवे पुत्ता इठा राम के सवा सोरी अपुरम मिनरे आसी राय महिढ़िये समुद्र विजय राय लखन संजुए तस भज्जा शिवाणाम तिसे पुत्तो महायसो भगवम अरिठन मिति लोग नाहु दमि सरे सो अरिठन मिणा मोह लखण सर संजुव अठ सहस लखण धरो गोयमो काल गच्छवि वज्जरी सह संघयाणो समचौरं सोझसो यरो तस राय मय कन्नम भज्जम जायै केशव असाराय वर कन्ना सुशीला चारु पेणे सव लखण संपन्न विज्जु सोया मणिप्रभा अहाह जनौति सेवा सुदेवम महिढ़ियम इहा गच्छौ कुमारो जासे कन्नम ददामि हम सवो सहेम न विहो नय कोल मंगलो दिव्य जुयल परिहो आभरणे विभूषियो मत्तम च गंधहत्यम च वासुदेवस जिठगम मारुडो सुहाय आहियम सिरे चूड़ामणि जहा अहसियेण चितेण चामराही असोये दसार चक्केण यसो सव परिवारियो चौरंगिणी सेनाय जकमं तुरियाण सन्निणायण दिव्येणं गगणं फुसे एयारिषिये जुतिये उत्तमायणीय गाओ भवणाओ निजाओ वन्य पुंगाओ अहसो तत् निजंतो दिश्य पाणि भय दुए वाडेहं पंजरेहं च सन्निरुद्धेशो दुखिये जीवियंतम तो संपत्ते मनसंठा जमखि अव्वाए पासिता से मापन्ने सारहिं इणम अभावि कस अठाई में पाणाए सवे सुहे सिणु वाडिहिं पंजरिं चे सन्ने रुद्धाय अच्छिहिं अह सारहि तव भणै ए भद्दाओ पाणिनो तुझ विवाह कज्जम में भुयवा भोया वेरुं सोण तस वयण बहु पाणी वीणासण चिंते से महापन्ने साणु कोसे जी जय मध्य कारणाए हमते सुबाओ जियाण में एयम तो निश्चे संपर लोगे भवि सो कुंडलाण जुयलम सुतगम च महायसो आभरणानी सव्वाणी सार हिस्स प्रणाम मण परिणामो यको देवाय जौयम समोहिन्ना सविढ़िय स परिस्सा निखमणम तस् कांजे देव मानुष परिवूडो सिवियारणम तौ समारूढ़ो निखमीय बार गाओ रे वयम मिथियो भगवम उज्जाणम संपत्तो इन्नोत्तमाओ सियाओ साहसीय परिवूडो अह निखमयो चिताहिम अह सो सुगंध गंधीय तुरियम मायो य कुचिये स्वयमेव लुंचय केसे पंच मुठे हिम समाहियो वासुदेवो यणम भणै लुत्त केशम जीन्द्रियम इच्छियम मनोहरम तुरियम पावसुतम दमि सरा नाणीणम दंसणीणम जय जरितेण तहेयो ये खंदेय मुक्ति ये चेव वड्ढ मणो भवाहिय एवं ते राम केशवा दसाराय बहुजना अरिठने मिम वंदिता अभिगया बरगा पुरीम सोण राय कन्ना पवज्जम साजिण सऊ निहासाय निरानंदानोगे सोगे नऊ समुतिया राय मही विचिन्ते धीर तुम मम जीवियम जाहम तेन परिचत्ता सीयम पवयुं मम असाभरणम सन्निवे कुच्च फण गस्पसाहिये स्वयमेव लुंचै केसे धीमंता ववस्या वासुदेवो यणम भणै लुत्त केशम जीन्दियम संसार सागरम घोरम तर कन्ने लहुम सा पवैया संदे पवा वेशितैं बहुम सयणम वरियणम चेव शीलवंता बहु गिरिवरि गिरिम्रेवतायं जन्ति वासेणुल्लाउ अंतरा वासन्ति अंधयारम्भि अंतोलायणस्य साठिया चीवरायं विसारन्ति जहा जायति पासियारहणिमि भग्गचित्तो पच्छादिट्ठो यति
धियाय सातायं दट्टुम एगंते संजयं तायं बाहायं काउं संगोफं वेव माणि निशियाय अहसो वीराय बुत्तो समुद्ध विजयं गौ भियं भवे वियं दट्टुम एमं वक्कम उदारे रहणे मीम अहं भद्दे सूरि वेचारु भाषिणि मम भयाहि सुयणु नैते पीला भवि ऐहिता भुंजी मु भोए मानुसुम खुसु दुर्लहम भुत भोगित पच्छा जीण मग्गम चरिसामु दट्ठुण नहणे मिमतम भो भगुज्जोय पराजयम राहि माहि असंबंधा अपाणम संवरिंतहि अहसाराय वरकन्ना सुठियाणियम वै जायम कुलम च सीलम च रखमाणिम तयम वै जय शिरुवेण विस्मणो ललियेण नलकुब्बरो तहावि तेण इच्छामि जय श्री सखम पुरंदरो पखंडी जलियम जोयम धूम के उम दुरासयम निचिंदम वत्तम भूतम कुले जाया अगंधणे धीरथो तेजसो कामी ज्योतम जीवीय कारण वंतम इच्छसि आवे हुम सेयम तम मरणम अहम च भोगरायस तम ची अंधगवन हेनो माकुले गंधनामो संजमम निहो जय तम काहे से भाव जा जा दिच्छसि नारी वो वाया विद्धो वहडो अठी अप्पा गोवालो भंडवालो वाज तद्दवनिस्सरो एवं अनिस्सरो तंपि सावर्णस भविष्यसि तीसे सुवयणम सोचा संजयाय सुभाषियाय अंकुशेण जहाणा गोधम्भे संपड़िवायो कोहम मानम निघनिता मायम लोभम च सवसो इंद्रियाय वसे काहु अपाणम उवसंहरे मन गुत्तो वाय गुत्तो काय गुत्तो जी इंद्रियो सामन्नम निचलम फासे जावत जीवं दढ़वाओ उगम तवम चरितानम जाया दोन्नि विकेवली सवम कवम खवितानम सिद्धिम पतानुत्तरम एवं करिंते संबुद्धा पंडिया पवियखण वीणी अट्टन्ति भोगेसु जहासे पुरी सुत्तमोति वेमी। 23वां अध्ययन है केशी गौतमीय, केशी और गौतम का। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में एक महान यशस्वी, महान प्रभावशाली, उनकी पट्ट परंपरा में उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था केशी, जो विद्या और चरण से संपन्न, अवधि ज्ञान से संपन्न थे। गांवों और नगरों में विहार करते हुए उनका आगमन श्रावस्ती नगरी में होता है और श्रावस्ती के तिंदुक नाम के उद्यान में अपने शिष्य संघ के साथ रुक जाते हैं। उन्हीं दिनों भगवान महावीर के प्रधान शिष्य आर्य गौतम स्वामी, वो भी ग्रामानुग्राम अनेक नगरों से होते हुए वो भी श्रावस्ती नगरी में आते हैं, परंतु श्रावस्ती में वो रुकते हैं कोष्टक उद्यान में। इस तरीके से दोनों ही महापुरुष अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में रुक जाते हैं, परंतु उद्यान उनके जो रुकने के स्थान है वो अलग अलग हैं। दोनों के शिष्यों का मिलना नगर में हुआ। दोनों के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की चर्या का पता चलता है, एक दूसरे के व्यवहार का, आचरण का पता चलता है और मन में एक विचार उठता है कि देखो भगवान पार्श्वनाथ का और भगवान महावीर का जो ये धर्म है ये लगभग समान है, कुछ ही व्रतों में, कुछ ही आयामों में थोड़ा सा फर्क है, परंतु ये फर्क क्यों है, कैसे है, कितना फर्क है। शिष्यों के मन में जब ये जिज्ञासा पैदा हुई तो केशी के और गौतम के, दोनों के ही शिष्य अपने अपने गुरुओं के पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अपनी जिज्ञासा अपने अपने गुरुओं के पास रखते हैं कि जब भगवान पार्श्वनाथ ने भी चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया और उनका लक्ष्य भी मुक्ति है, भगवान महावीर ने पंचयाम का उपदेश दिया उनका लक्ष्य भी मुक्ति है, जब लक्ष्य दोनों का मुक्ति है तो दोनों के व्रतों में, दोनों के शिष्यों के पहनावे में और आचरण में ये जो भेद दिखाई देता है ये भेद क्यों है। तब गौतम स्वामी ने
अपने मन में विचार किया कि भगवान पार्श्वनाथ पूर्व के तीर्थंकर हैं और साथ ही साथ जो भाग्यवान केशी हैं वो भी भगवान पार्श्वनाथ की पट्ट परंपरा में शिष्य हैं और साथ ही साथ दीक्षा में भी प्रवर्ज्या में भी वो गौतम स्वामी से बड़े हैं। तो ज्येष्ठ कुल के होने के कारण उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि चलो हम भगवान केशी के दर्शनों के लिए चलते हैं और उनसे वार्तालाप करके आते हैं। अपने शिष्यों के साथ गौतम स्वामी केशी स्वामी के पास पहुंचते हैं। केशी स्वामी को आते हुए देखकर गौतम स्वामी ने स्वागत किया, उन्हें आसन दिया बैठने के लिए और इस तरीके से दोनों बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। उन दोनों का जो आपसी वार्तालाप है उसी वार्तालाप का नाम है केशी गौतमीय। जो उनके आपसी समाधान है इसमें देखो, मिलने के लिए गौतम स्वामी गए हैं परंतु जो प्रश्न किए हैं वो केशी स्वामी ने किए हैं। केशी स्वामी के प्रश्न हैं, गौतम स्वामी के उत्तर हैं। उन उत्तरों का और प्रश्नों का जो संग्रह है वो इसी केशी गौतमी अध्ययन में किया गया है। पहले हम इसकी गीतिका लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। गौतम से केशी ने कहा आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो दिख रही क्यों विषमता। काल के व्यवहार से ही चर्या में विविधता, निश्चय से सब एक है उनमें न कोई अन्यता। निश्चय से सब एक ही है उनमें न कोई अन्यता। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। लोक पूजित पार्श्व जिन थे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, परंपरा में शिष्य केशी थे महाकीर्ति के धारक, पारगामी थे ज्ञान चरित में पार्श्व शिष्य गुण गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। तीसरी, उसी समय प्रभु वर्धमान थे जग विश्रुत तीर्थंकर, महायशस्वी शिष्य थे गौतम अंग ज्ञान के दिन कर, निर्मल ज्ञान चरित के धारी गौतम शेष न मालो, जीवन धन्य, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 20वां सूत्र है, साधु रूप की प्रतीति है तू अलग वेश है माने, भान रहे साधुत्व का हरदम संयम धर्म निभाने, यही प्रयोजन है वस्त्रों का संशय सवे मिटालो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। 23वां, पांच इंद्रिय चार कषाय और मन को जीता मैंने, जीत लिए जब दश विध शत्रु, जीत लिए सब मैंने, एक आत्मा को जीत के सबको अपने वश में करा लो। जीवन जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। 30वां सूत्र है, क्रोध मान और लोभादि को जलती अग्नि बताया, श्रुतशील और तपश्चर्या को उत्तम जल बतलाया, श्रुति की शीतल जलधारा से मन को शांत बना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब इसका मूल पाठ, जीने पासे तेना मेणम अरहा लोग पुइयो, संबुद्धप्पाय सब वन्नो धम्म तिथ यर जीने, तस लोग पै वस आशीष मायस, किसी कुमार समण विद्या चरण पारगे, ओहि नान सुए बुद्धे शीस संग समाउले, गामाणो गाम म्रियंतम सावत्थिम पुर मागाए, तिंदुयम नाम उज्जाणम तमेस नगर मंडले, फासुए सिज्ज संथारे तथ वास मुआ, अहतिणव कालीणम धम्म तिथयरे जीणे, भगवं वद्ध माणित्ते सव लोगम मे विस्सुए, तस लोग पाए वस आशीष मायसे, भगवं गोयामि नामम विद्याचरण पारगे, बार संग विउ बुद्धि सिउस संग समाउ, गामाणो गामम रेयंतम सेवि सावत्थि मागाए, कोठ गमणाम उज्जाणम तम्मे नगर मंडले, वासुए सिज्ज संतारे तथ वास्मुवागाए, किसी कुमार समणे गोयमे महायसे, अभव पृथ्वी हरिंसु अल्लेणा सुसमा, अभव उभव शीस संघाणम संजयाणम तवसेणम, तथ चिंता समुपन्ना गुणवंताण तायेणम, केरिसो इमो धम्मो व केरिसो आयार धम्म पैणि पणि इमा वासव केरिसे, क्या उज्जामो या जो धम्मो जो इमो पंच सिखे, उदेशियो वध्यमाणेन पासेन ये अचेल, यजो धम्मो जोयमो संतरुत्तरो, एक कज्जप वन्नाणं विशेषं की किं नु कारणं, अहति तथ शेषाणं विन्नाय परितकेयं, समागमे कायमये उभौ केशी गोयमा, गोयमो पडिरुवन्नो शेष संघ समाउले, जेठं कुल समेव जेठ कुलं विखन्तो तिन्दुयं वण मागाओ, केसी कुमार समणे गोयमं दिशमागयं, पडिरुवं पडिवत्तिं समं पसं पडिवज्जयि,
पलालं फासोयं तत्थ पञ्चमं सुसदणाणीय गोयमसणि सिज्जाय क्षिपं सम्पणमये केसी कुमार समणे गोय मे माय से उभौ निसन्ना सोहंती चंद सुर समपभा सम गय बहुत पाषंडा को गामी अघि हत्थाण मणि गाओ साहसी हो सम गया देव दानव गंधवा जख रख सकिन्नरा दिशाणम च भूयाणम आसी तथ्य समागमो पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयमब्भवित तव केसिम्भुवन्तं तु गोयमोहिणमब्भवि पुच्छ वन्दे जाइच्छं जे केसिं गोयमब्भवि तव केसिं अणुन्नाय गोयमं इणमब्भवि चाउज्जामो यजोधमो जोयिमो पञ्चसिखियो देशियो वध्यमाणेन पाशेन यमः एक कज्ज पन्नाणम विशेषे किम नो कारणम धम्मे दुवी हे मेहाविक विपच्च उणते तव के सिंभुवंतम तो गोयमोणमब्बवि पन्ना समीखे धम्म तत्म वित्तवीणिच्छीय पूरीमा उज्जु जड़ाओ अक जड़ाय पश्चिमा मध्यमा उज्जु पन्नाओ तेन धम्मे दुहा कहे पूरीमाणम दुविशुजो चरीमाणम दुर्ण पालव कपो मध्यम गाणम तु सुविशुजो सुपालव साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे संजो हेमो अन्नो वि संजो मध्यम तम मे कह सु गोयम अचेल गोय जो धम्मो जोईमो संतरुत्तरो देशियो मध्यमाणेन पासेन ये एक कज्ज पव पन्नाणम विशेषे किम नो कारणम लिंगे दुवी हे मे हाविक हम विपच्च उड़ाते केसीमेवं भुवाणम तो गोयमोहिणमब्भवि विन्नाणेन समागम धम्म साहण मिथ्येयम् पच्चयत्तम च लोकस्य नाना विह विगपणम जहत्तम गहणत्तम च लोके लिंगपौयाणम आहवावे पविन्नाओ मुख सभूय साहना नाणम च दंजनम चेव चरितम चेव निक्षीये साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसाओ ये मो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम मे कह सु गोयम अणिगाणम सहसाणम मध्ये चिट्ठसि गोयमा ते अति अहि गच्छन्ति कहम ते निज्जिया तु मे एक जिया जिये पंज जंज जिये जिया दस दस हाओ जीणिताण सव सत्तु जीणामहम सत्तु एकी के उत्ते केसी गोयमब्भवि तौ के सिंभुवंतम तु गोयमोहिणमब्भवि ए गप्पा जिये सत्तु कसाया जिन्दियाणीय ते जिणि तु जहाणायं विहरामि महा अहम मुणि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसाओ इमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम मे कह सु गोयम दिशं दिवाहे लोगे बास बद्धा शरीरेणो मुख पासे लहु भूकहं तं विहरसि मुणि ते पासे सवसो चित्तानि हन्तोण आयो मुख पासो लहु भू विहरामि अहं मुणि पासायै के उत्ते केसी गोयमब्भवि केसीमेवंभुवंदम तु गोयमोहिणमब्भवि राग दुस्साद उत्तिवानि हपास भयंकर ते छिन्दितु जहाणायं विहरामि जहकमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसाओ एमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तं मे कह सु गोयम अन्तो हियय संभूयालया चिट्ठाय गोयम फले विष भक्षिणि साहु उद्धरिया कहम तं लयं सव सुचित्ता उद्धरित्ता समूलियं विहरामि जहाणायं मुको मे विष भक्षणम् लयाया कावुत्ता केसी गोयमब्भवि केसीमेवंभुवंदम तु गोयमोहिणमब्भवि भवतन्नालया उत्ता भीमफलोदया तमुद्धित्तु जहाणायं विहरामि महामुणि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसाओ इमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तं मे कह सु गोयम संभजलिया गोराग चिट्ठई गोयम ते डहंदी शरीरत्ता कहम विज्ञाविया तुभे महामे हपसुयाओ गिज्जवारी जलुत्तम सिंचामी सायम देहम सित्ताणो वडहंती मे
अज्ञायी के वुत्ता के सी गोयम मभावी के सी मेवं भुवंदम दो गोयम ओण मभावी कसाया अग्णो वुत्ता सोय सीलता वो जलम सोय धारा भी है संता भिन्ना होणम दहंते में साहु गोयम बंदा दे छिन्नो में संसोयमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम में कह सु गोयम अयम साहस्यो भीमो दुठा सो परिधावई जन सिंह गोयम आरूढ़ो कहम तेन नहि रसे पधावंदम निघन्ना में सोयस्रसि समाई यम नय में गच्छई उम्मगम मग्गम च पड़ि वज्जाई आशियई के वुत्ते केसि गोयम मभावी केसि में वंबु अंदंतो गोयमो हिण मभावी मणो साहस्यो भीमो दुठ सो परिधावई सं तम सम्मम तो निघन्ना में धम्म सिखाए कंथगम साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम में कह सु गोयम कुपहा भावेलो ए जेम ना संति जंतुणो अढाणे कहम वटंदो न तम ना ससि गोयम जेयम अगण गच्छन्ति जेयम मग पठिया ते सवे वेहिया मध्यम नैत तोण न सामहम मोणे मग्गयई के वुत्ते केसि गोयम मभावि केसि मेवं भुवं दं दो गोयम ओण मभावि उपवायण पासंडे सवे उम्मग पठिया सम्मगम तो जीण खायम ए समग्गे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ एमं इमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम में कह सु गोयम महा उदग विगेण बुज्यमाणान पाणिनम शरणम शरणम गहे पैठाए देवम कमन्न से मुणि अथि गोमा दीव वारी मझ महालो माओ दग वे गस गहि तथण विजय दिवी अहि के वुत्ते केसि गोयम मभावि केसि मेवं भुवं दंदु गोयम ओण मभावि जरा मरण विगेणम बुज्यमाणान पाणिनम धम्मो देव पैठाए गहि शरणम उत्तमम साओ गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ एमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम में कह सु गोयम अन्नवंसी महो हंसी नाना विपरिधावाय जंजे गोयम मारुड़ो गहम बारम गमिससि जाओ असावीणी नावा न स पारस गामिणी जास जनि रसावीणी नावा साओ पारस गामिणी णावाय की का उत्ता कोसि केसि गोयम मभावि केसि मेवं भुवंदं तु गोयमो ईण शरीरमाहो न उत्ते जीवो वच्च एणा वियो संसारो अन्नो उत्तो तं जं तरन्ति महिषिणो साहु गोयम पन्नादे छिन्नो मे संसाओमो अन्नो वि संसाओ मध्यं तं मे कह सु गोयम अन्धयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिसोय सय उज्जोयम सवलोयम मे पाणिनम उगाओ विमलो भाणु सवलोयम पभंगरु सुकरि सय उज्जोयम सवलोयम मे पाणिनम भाणु यही के वुत्ते केसि गोयम मभावि केसि मे वंभुवं दंदो के गोयम ओण मभावि उगाओ खीण संसारो सवन्नो जीण भखरु सुकरि सय उज्जोयम सवलोयम मे पाणिनम साओ गोयम वन्नाते छिन्नो मे संसाओ इमो अन्नो वि संसाओ मध्यम तम मे कह सु गोयम शरीर मानसे दुखे वज्यमाणान पाणिनम क्षेमं सेवं मणा बाहम ठाणम किं मन्नसि मुणि अतिगम धुवं ठाणम लोगगमे दुरारुवं जत्नति जरा मच्चो आहिणो वे अणातः ठाणियई के वत्ते केसि गोयम मभावि केसि मेवं भुवं तंदो गोयम ओण मभावि निर्वाणं तु अब्बाहं तु सिद्धि लोगगमे वय क्षेमं सेवं मणाबाहं जं चरिन्ति महिषिणो तं ठाणं सासयं वासं लोयगम्य दुरारुहं जं संपत्तान सोयन्ति भवो हन्त करामुणि साओ गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसाओ एमो अभिवंदितु शिरसा गोयमं तु महायसम
पंच महावयम धम्मम बड़े वज्जय भावो पूरे मस्स पच्छम अम्मी मग्गे तथ सुहावहे केसी गोयम निचम तम्मे आसीम समागमे सुयसील समुख सुमहत्थ वनिच्छियो तुसिया परिसा सवा सम्मगम समुवट्ठिया संतुया ते पसियंतो भयवम केसी गोयमेति विमि। चौबीसवां अध्ययन है प्रवचन माता। प्रवचन द्वादशांगी को कहते हैं। भगवान की जितनी भी वाणी है वो प्रवचन है। प्रवचन एक उपसर्ग के मिलने से एक शब्द बना है। वचन का मतलब होता है कुछ बोलना, कुछ कहना, या कुछ जो बोला गया है या जो कुछ कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं, वो वचन कहते हैं। जो कहा जाता है वो वचन है। प्र उपसर्ग लगा है तो जो उत्कृष्ट वचन है वो प्रवचन है। क्योंकि वीतराग जो देवता है, वीतराग जो भगवान है, वो राग और द्वेष से, क्रोध से और अहंकार से, हास्य से और भय से रहित होते हैं। जो लोग हैं उनके वचनों में, उनके बोलने में जो दोष आता है वो किसकी वजह से आता है? जब आदमी गुस्से में होता है तब वचन दूषित होते हैं, जब आदमी मोह में होता है तब वचन दूषित होते हैं, जब व्यक्ति अज्ञता में होता है, अज्ञान में होता है, तब वचन दूषित होते हैं, जब व्यक्ति लोभ में होता है तब भी वचन दूषित होते हैं, जब व्यक्ति किसी के प्रभाव में होता है, जब किसी की चमचागिरी करता है तब भी वचन दूषित होते हैं, जब लोग मजाक करते हैं, अप्रैल आता है ना 1 अप्रैल, उस दिन झूठ बोलने का अधिकार मिल जाता है सबको, फटाफट दूसरों को उल्लू बनाने का काम शुरू हो जाता है, तो जो हंसी है, मजाक है, उसमें भी वचन क्या होते हैं, दूषित होते हैं। राग में और द्वेष में, इसमें भी वचन क्या होते हैं, दूषित होते हैं। तो जब जब हम अपने भीतर में देखें कि जब जब क्रोध होता है तो वचन दूषित होते हैं, जब राग होता है वचन दूषित होते हैं, मोह होता है वचन दूषित होते हैं, किसी के प्रेम में हो तो वचन दूषित होते हैं, किसी की घृणा में हो तो वचन दूषित होते हैं, किसी की ईर्ष्या में हो तो वचन दूषित होते हैं, परंतु जो वीतराग भगवान है वो इन सारे दोषों से क्या होते हैं, रहित होते हैं। ना क्रोध रहा, ना मान रहा, ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना ही मोह रहा और ना अज्ञान रहा, ना ही हंसी मजाक करने का कोई कारण रहा और ना ही रति और अरति का भाव रहा। जब किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता तो वचन क्या हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। जब भीतर में कोई झूठ बोलने का या कुछ गलत बोलने का कोई कारण ही शेष नहीं रहता तो तब भीतर से जो भी वचन निकलते हैं वो कैसे वचन होते हैं, निर्दोष होते हैं। उनमें कोई दोष नहीं होता, उनमें कोई विरोध नहीं होता, उनमें किसी भी तरीके का कोई घालमेल नहीं होता। हम तो जो भी बोलेंगे या हम जो भी कहते हैं उसमें क्योंकि भीतर में कोई ना कोई कारण, चाहे वो कोई ना कोई लोभ हो, भय हो, डर हो, क्रोध हो, मान हो, राग हो या द्वेष हो, कोई ना कोई कारण होता है, और सबसे बड़ा कारण है मोह, और उससे भी बड़ा कारण है एक अज्ञान जो हमेशा भीतर में क्या रहता है, विद्यमान रहता है। तो जब तक ये भाव भीतर में है तब तक वचन निर्दोष नहीं होते, पर जिस दिन इन भावों से विमुक्ति मिल जाती है, जिन दिन इन भावों की शुद्धता होकर व्यक्ति ज्ञान में चला जाता है, करुणा में चला जाता है, सत्य में स्थित हो जाता है, तो तब वो जो भी कहता है वो निर्दोष कहता है। इसलिए वीतराग भगवंत दोषों से रहित होते हैं, इसलिए उनके वचन क्या कहलाते हैं, निर्दोष वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, है या नहीं, निर्दोष वचन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि भीतर से निर्दोष हो गए। तो भगवान का जो प्रवचन है, वचन जो है वो सेम ही है, परंतु भगवान के वचन प्रवचन कहलाते हैं, उत्कृष्ट वचन कहलाते हैं, क्योंकि वो निर्दोष वचन है। निर्दोष वचन होने के कारण भगवान के जितने भी वचन कहलाएंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रवचन कहलाएगा। तो प्रवचन का मतलब है उत्कृष्ट वचन। अब यहां पर जो है प्रवचन माता का नाम दिया है,
पांच समिति और तीन गुप्ती। जैसे एक माँ एक नए ही बच्चे को जन्म देती है, एक नए जीवन को जन्म देती है, ऐसे ही ये आठ बातें हैं। सारा का सारा प्रवचन जितना भी है भगवान का, वो जितना भी प्रवचन है, जितना भी उपदेश है, जितना भी संदेश है, वो सारा का सारा केवल और केवल इन आठ प्रवचन माताओं से क्या है, उनका निस्सरण हुआ है, उनका जन्म हुआ है। इसे प्रवचन माता इसलिए कहा है क्योंकि जितना भी द्वादशांगी है या जितनी भी भगवान की वाणी है, चाहे वो द्वादशांगी से ज्यादा हो या द्वादशांगी से कम हो, वैसे तो होता नहीं है, परंतु जितना भी उपदेश होगा उन सारी के सारे उपदेशों के मूल में ये अष्ट प्रवचन माताएं ही होती हैं, पांच समिति और तीन गुप्ती। तो ये जो पांच समितियां हैं, इन पांच समितियों में इसे हम दो कदमों की तरह देखते हैं, पांच समिति और तीन गुप्तियों को। समिति का मतलब होता है प्रवृत्ति करना, सम्यक तरीके से किसी कर्म को करना, सही ढंग से समुचित रूप से जो कार्य को करने का ढंग है उसमें होश रखना, उसमें जागृति रखना, उसको कहते हैं समिति। आप चलते हैं तो चलने में होश रखना, इसे कहते हैं इरिया समिति। बोलते हैं, बोलने में होश रखना, इसे कहते हैं भाषा समिति। लेन देन का व्यवहार होता है, भोजन करते हैं, भोजन करने में होश, या क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, इसमें हिसाब रखना, ये हो गया ऐशना या भोजन समिति। इसके बाद लेन देन में जो आप व्यवहार रखते हैं उस व्यवहार में होश पूर्ण व्यवहार रखना, ये हो गया आदान निक्षेपण समिति। और आखिरी है कि जो भी आपके शरीर की या फिर घर की या किसी भी प्रकार की जो भी गंदगी है, उस गंदगी को यत्र तत्र न फैलाकर एक जो समुचित जगह है उसकी उचित जगह पर उसे छोड़ना, उसको त्यागना, उसे कहते हैं उच्चार प्रसवण समिति। तो ये हो गया पांच समितियां। इसके बाद आती हैं तीन गुप्तियां। जैसे आप चलते हैं ना, चरण विधि कहते हैं इसको, चरण विधि का अध्ययन आएगा। चरण विधि का मतलब होता है जैसे कदम ताल होती है, जब आप चलते हैं तो क्या होता है, एक कदम को टिकाते हैं, दूसरा कदम उठा के आगे बढ़ाते हैं, फिर जो आदत आगे बढ़ाया हुआ कदम है उसे टिकाया और पीछे रखा हुआ कदम उठाया और फिर उसे आगे बढ़ाते हैं, तो एक को टिकाया और दूसरे को बढ़ाया, ऐसे ही चलना होता है तभी आप चल पाते हैं। दोनों को एक साथ टिका दोगे तो भी चल नहीं पाओगे, दोनों को एक साथ उठा दोगे तो भी भैया चल तो सकोगे परंतु फिर आपकी चाल क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो चरण विधि का मतलब है कि एक पांव को टिकाना, दूसरे को बढ़ाना, दूसरे को टिकाना और फिर पहले को बढ़ाना, इसे कहते हैं समिति और गुप्ति। समिति का मतलब है बढ़ना और गुप्ति का मतलब है ठहर जाना। समिति का मतलब क्या होता है, चलना, और गुप्ति का मतलब क्या हो जाता है, रुकना। तो जो सही है उसमें चलना समिति है और जो गलत है उससे रुक जाना वो क्या है, वो गुप्ति है। गोपन का, गुप्ति का मतलब होता है गोपन करना, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ अपने हाथ पांव अगर उसे खतरा लगता है तो वो फटाफट क्या कर लेता है, अपने हाथ पांव मुंह सब क्या कर लेता है, अपने शरीर के अंदर छुपा लेता है। अब आप ये देखोगे कि उसके हाथ पांव वगैरह नष्ट नहीं होते, केवल और केवल क्या हो जाते हैं, अंदर छिप जाते हैं। यही मन वचन और काया के साथ है, इन्हें नष्ट नहीं करना होता, केवल और केवल जब ये गलत प्रवृत्ति में उतरते हैं या गलत विचार आए, गलत उच्चार आए या गलत व्यवहार आए, तो गलत से अपने आप को रोक देना, इसको कहते हैं गुप्ति। तो पांच समिति और तीन गुप्तियां हैं, इन पांच समिति और तीन गुप्तियों को ही अष्ट प्रवचन माता कहा है। इसे ऐसा आप समझ लो कि जैसे मकान की, जैसे भवन की नींव होती है वो सबसे क्या है, मुख्य है, कि अगर नींव मजबूत है तो पूरा का पूरा भवन भी क्या रहता है, टिका हुआ रहता है। ऐसी ही ये अष्ट प्रवचन माताएं हैं कि ये अष्ट प्रवचन माता सही है तो पूरा का पूरा प्रवचन क्या है, सही है। अगर यही गड़बड़ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया प्रवचन में भी जहां तहां भी क्या हो जाएगी, सारी की सारी गलतियां होती रहेंगी। तो अष्ट प्रवचन माता जिससे द्वादशांगी का जन्म हुआ है, भगवान की वाणी हमें प्राप्त हुई है, ये करना है गुरुजी, थोड़ा ले लो क्योंकि वो तो आएंगे नहीं, मेरा गला ऐसे चल रहा है, एक और कर लो। अच्छा तो पहले हम इसकी गीतिका लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ।
साधु के व्रत की सुरक्षा इनसे होती सर्वदा, अष्ट प्रवचन मात करती अशुभ से है अलविदा। रक्षा करे ये रात दिन साधकों की साधना, मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना, मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। पांच समिति तीन है गुप्ति अष्ट है प्रवचन माता, सम्यक पालन करके साधक इनका परम लक्ष्य को पाता। माता के सम रक्षा करती इनका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ईर्या भाषा और ऐषणा आदानम उच्चारम, मन वच काया की गुप्ति से है साधो आचारम। अंतरहित है प्रवचन इनमें पथ का बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। अब इसका मूल पाठ। अठ पवयन मायाओ समी गुत्ति तहे वैया, पंचीवय समीयो तव गुत्तियो आहिया। इरिया भासे सणा दाणे उच्चारे समीय, मण गुत्ति वय गुत्ति काय गुत्ति। अठमा एयाओ अठ समीयो समासेण वियाहिया, दुआल संगम जन खायम मायम जथो पवयनम। आलंबणेन कालेन मग्गेण जयणाय, चौ कारण परिशुद्धम संजये ईरियम रिये। तथ आलंबणम नाणम दंसणम चरणम तहा, काले य दिवसे बुते मग्गे उपहवज्जिये। दवो खेतवो चीव कालवो भाववो तहा, जयणा चौ विहावुत्ता तम्य कित्तयो। सुण दवो चक्षुसापे हे जुगमित्तम चखितो, कालो जावरी इज्जा उव उत्ते य भावो। इंद्रियत्थे विवज्जिता सज्जायम चैव पञ्चहा, तम मुत्ते तत्पुरकारे उव उत्तेरियम रये। कोहे माणीय मायाए लोभे उत्तया, हासे भय मोहरिये विकहा सुतहे वये। एयाम अठ ठाणायम परिवज्जितो संजये, असावज्जम मियम काले भासम भासे जपन्नवम। गवेषणाय गहणेय परिभोगे सणाय जा, आहारो वही सिज्जाय ए तिन्नी विसोहे। उग मुपायणम पढ़मे विये सोहिज एषणम, परिभोयम मे चौकम विसोहिज जयम जयी। ओहो वहो वैगह्यम भी भंडगम दुविहम मुणि, गिन्नन्तो निक्षिवन्तो य पौंजिज्ज इमं विहिम। चक्षुषा पड़िले हितापमज्जिज्ज जयम जयी। आये
निख्य विज्जा वा दुहावो विसमीयसया उच्चारम पासवर्णम खेलम सिंघान जल्लियम आहारम ओहिम देहम अन्नम वावि तहा विहम आणावाय मसनलोय अणावाय चेव होय संलोय आया आवाय मसनलोय आवाय चेव संलोय अणावाय मसनलोय परसणु घाव अणु व घाई समे अज्जु सिरे यावि अचिर काल कयम्मीय वित्तिन्ने दूर मोगाढ़े नासन्ने विल मिल वज्जिये तस पाणी बिय रही उच्चारायण वो सिरे एयाओ पंच समीयो समासेन वियाहिया इतो यतो गुत्यो वोच्छामे अनुपुवसो सच्चा तहेव मूसाय सच्च मूसा तहेव ये चौथी असच्च मूसाय मणगुत्यो चौ विहा संरम्भ समारंभे आरंभे यतहेव ये मणम पवत्तमाणम तो नियते जजयम जय सच्चा तहेव मूसा सच्चा मूसा तहेव ये चौथी असच्च मूसाये वयगुत्ति चौ विहा संरम्भ समारंभे आरंभे यतहेव ये वयम पवत्तमाणम तो नियते जजयम जय थाणम ऋषि यणि चेव तहेव ये तो यट्टणे उल्लंघन पलंगणे इंद्रियाणि युजुंजणे संरम्भ समारंभे आरंभम में तहे वैय कायम पवत्तमानं तो नियते जयम जय एयाव पंच समीयो चरणस्य पवत्तणे गुत्ति नियत्तणे वत्ता असुभत्थेसु सवसो एसा पवयन माया जे सम माय रेमुणे सुखिप्पम सव संसारा विप्पमुच्चै से विप्पमुच्चै पंडियेत्ति वेमि चौबीस तो प्रवचन खत्म करना पड़ेगा। चलो 25 कर दे। 25वां अध्ययन है यज्ञीय। आज इसकी भूमिका पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यज्ञीय अध्ययन में वाराणसी के दो भाइयों की कथा है और दोनों ब्राह्मण बंधु, एक का नाम जय घोष और दूसरे छोटे भाई विजय घोष। जय घोष और विजय घोष दोनों ही महाज्ञानी हैं, महापंडित हैं, वेद और वेदांगों के ज्ञाता हैं, यज्ञ दीक्षा में दीक्षित हैं और एक वैदिक विधि से जो जीवन जीने की जो विधि है, जो उपाय है, जो तरीका है, उस तरीके से अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जो जय घोष हैं वो नहाने के लिए गंगा नदी पर गए हुए थे, गंगा में स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह के समय पर जब वे स्नान कर रहे थे तो उन्होंने सामने स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए उनकी दृष्टि, उनकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी, एक दृश्य पर उनकी नज़र टिकी। और दृश्य क्या था? एक मेंढक एक कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक मेंढक एक कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा, जय घोष ने तो देखने में वैसे ही नजर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि चलो। जैसे ही नजर हटाने लगे इतने में एक और दृश्य नजर आया। नजर क्या आया कि वो जो मेंढक है वो कीड़े के पीछे उछल उछल कर भाग रहा है। वो कीड़ा शायद जमीन पर रेंगने वाला होगा तो तेजी से वो कीड़ा तो अपने प्राण बचाने के लिए बेचारा भाग रहा है और मेंढक क्या है उसके पीछे कूद कूद के उस कीड़े को खाने की चेष्टा में, उसको बस भोजन बनाने के लिए बस उसके पीछे पीछे वो मेंढक लगा पड़ा है। तो इतना होता तो नजर हटा लेते, पर एक दृश्य और था कि मेंढक के पीछे पीछे सांप अपना मुंह खोले खोले उसके पीछे लगा हुआ है। अब जैसे ही जय घोष ने देखा, उसने देखा है तेरी तो ये देखो ये मेंढक उसके पीछे उसकी मौत, उस मुंह खोलकर वो सांप है, सांप का भोजन मेंढक है, बस अब गया तब गया वाली हालात है उसकी। कुछ समय का जीवन है पर वो कीड़े के मोह में, वो कीड़े को भोजन बनाने के चक्कर में वो अपनी मौत से क्या है, बेभान है। वो कीड़ा बस उस कीड़े की नजर है और कीड़े को खाने के चक्कर में पीछे जो मौत आ रही है सांप के रूप में उसको क्या है, उसको ख्याल ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है। जय घोष ने देखा, एक तरफ तो उसे हंसी आई कि देखो ये मेंढक को देखो उसके पीछे मौत आ रही है और ये सांप का उसे पता ही नहीं है। परंतु इतने में एक और दृश्य नजर आया और वो ये था, ऊपर पेड़ पर एक मोर बैठा हुआ था, बस जो ताक लगाकर उस सांप की तरफ बस अब कूदा वाली हालात थी। क्योंकि भैया मोर क्या करता है, सांप को खा जाता है, सांप उसका भोजन है, तो वो इंतजार में बस वो झपट्टा मारने ही वाला है। मोर देख रहा है, एक जो तैयारी होती है पूर्व तैयारी झपट्टा मारने से पहले की, बस वो लगा हुआ है कि अब उसने झपट्टा मारा और तब झपट्टा मारा। तो जैसे ही
जय घोष ने ये दृश्य देखा कि उस कीड़े के पीछे मेंढक, मेंढक के पीछे सांप, और सांप के पीछे वो मोर है, और मोर के पीछे भी तो कोई होगा, है या नहीं है, कोई शिकारी होगा। ना हो कोई शिकारी तो आयु का धागा जो पल प्रतिपल जो हम अपनी तरफ खींचते चले जा रहे हैं वो तो कम हो ही रहा है। जो सांसों का हम एक खजाना लेकर आए हैं, एक घड़ा भर कर ले आए हैं, वो बूंद बूंद रिस रहा है, और बूंद बूंद रिस कर क्या हो रहा है, सतत पल और प्रतिपल समाप्त हो रहा है। परंतु अपनी मौत से किसी को भी क्या नहीं है, किसी को बोध नहीं है, किसी को याद ही नहीं है कि भैया हमें मरना भी है। जय घोष ने देखा कि तेरी ये मेंढक देखो, इसके पीछे मौत आ रही है, और ये मेंढक उसको अपनी मौत से कोई डर ही नहीं है। और ये चलो मेंढक की छोड़ो, वो सांप देखो उसकी मौत बनकर उसके पीछे घूम रहा है, परंतु अपनी मौत उसे नजर ही नहीं आ रही कि बस ये मोर इसे पकड़ेगा और अपना भोजन बना देगा थोड़ी देर में, वो उसे ध्यान ही नहीं है। कहते हैं कि संसार को इस घटना से जोड़कर जब जय घोष ने देखा कि दुनिया में यही तो हो रहा है, दुनिया में चल यही तो रहा है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को क्या कर जाता है, वो छोटी मछलियों को निगल जाती है। यहाँ प्रभावशाली बेचारे शक्तिहीनों को दबा देते हैं, यहाँ पढ़ा लिखा अनपढ़ों पर हावी हो जाता है, यहाँ चाहे अनपढ़ भी हो और नेता बन जाए तो पढ़े लिखों की नाक में दम करके रखता है। जो ताकतवर है वो शक्तिशालियों को दबाते हैं, जो थोड़ा सा सुंदर हो जाए तो वो कुरूपों का मजाक उड़ाते हैं, जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो वो दूसरों को हंसी और मजाक में उड़ा देते हैं कि तुम तो अज्ञानी हो, तो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। पूरी दुनिया के इस चक्कर को देखकर, इस खेल को देखकर जय घोष मुनि के मन में वैराग्य का भाव जग गया, वैराग्य आया। कहते हैं कि वो घर भी नहीं लौटे, वहीं से ही क्या हो गए, जंगल की तरफ चले गए, दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा धारण करने के बाद साधु बन जाते हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं और वैराग्यमय जीवन जीते हैं। अब देखो कई सालों तक तपस्या करने के बाद, और उनका थोड़ा जो शरीर है, पहले इतना अच्छे तरीके से खाते थे, पीते थे, नहाते थे, धोते थे, साफ सफाई रखा करते थे, तो शरीर थोड़ा भरा और थोड़ा सुंदर दिखने में, इतने सालों की दीक्षा में शरीर की जितनी उपेक्षा की उतना ही शरीर क्या हो गया, अब वो पहले वाले जय घोष ना रहे बल्कि कुछ और ही उनका स्वरूप निकल कर आ गया। तो एक बार जय घोष के मन में एक विचार आया कि देखो मैंने तो सम्यक मार्ग पाया है, मैंने तो सच्चा रास्ता पाया है, मैंने तो जिन भगवान का जो ये सत्य का मार्ग है इसे उपलब्ध किया, और मैं तो अपना जीवन क्या कर लूंगा, मैं तो सफल कर रहा हूं और सफल कर भी लूंगा, परंतु मेरा जो छोटा भाई है विजय घोष वो तो बेचारा अभी भी कर्म कांड में लगा पड़ा है, वो तो अभी भी स्वाहा स्वाहा किए जा रहा है, और स्वाहा स्वाहा करे तो ठीक है, वो तो बेचारे अग्नि में जौ वगैरह को स्वाहा करे वो तो ठीक है, परंतु वो तो अपने जीवन के अमूल्य पलों को भी क्या कर रहा है, उसको भी स्वाहा किए जा रहा है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक हर कर्म क्या है, निरर्थक है। जब तक सच्चा बोध न हो तब तक आप कुछ भी कर लो तब तक सब कुछ क्या है, बेकार है। जब तक समकित की प्राप्ति ना हो तब तक पूरा का पूरा जीवन कोलू के बैल की तरह है, कितना भी कर्म हो परंतु आपका कर्म आपको केवल और केवल घुमाता है, आपको पहुंचाता कहीं नहीं है। तो जय घोष ने सोचा कि मैंने तो मार्ग पाया है परंतु मैं अपने भाई को भी क्या करूंगा, उसे भी मार्ग बताऊंगा, उसे भी सही रास्ता दिखाऊंगा, उसे भी बताऊंगा कि भैया सच्चा रास्ता क्या है। और यह सोचकर एक अच्छी भावना को मन में लेकर जय घोष अपने जन्म नगरी वापस वाराणसी लौट कर आते हैं, और वाराणसी जैसे वह आए वहां आकर उन्हें पता चलता है कि भाई ने तो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ है, और उस यज्ञ में उसने दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया है, और यज्ञ के आयोजन में वहां बड़ा उत्सव का सा था, बड़ा एक मेला सा लगा हुआ है, क्योंकि भैया धनाढ्य है, संपन्न है, यज्ञ करने की ताकत भी है, तो पूरे ब्राह्मणों का जमघट लगा हुआ है, यज्ञ स्थल सजा हुआ है, और एक बहुत बड़े मैदान में अलग अलग वेदियां सजाई गई हैं, और उन अलग अलग वेदियों पर अलग अलग ब्राह्मण बैठकर मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ विधि का संपादन कर रहे हैं। वहां यज्ञ खूब धूमधाम से यज्ञ चल रहा है। जब जय घोष मुनि ने इस बात का पता लगाया कि मेरा भाई तो यज्ञ करने में लगा हुआ है, पहले तो विचार आया कि पहले यज्ञ खत्म करने देते हैं फिर चलेंगे, पर फिर एकदम से विचार आया कि नहीं, समझाने का मौका तो यही है, यही समझाने का मौका है,
अगर इस समय पर मैंने उसे समझाया तो वो समझ जाएगा। ऐसा सोच के जय घोष मुनि यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। अब पता है आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, जैसे सांप और नेवले की दुश्मनी होती है ना, होती है नहीं होती, जन्मजात दुश्मनी होती है दोनों की। अब एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं वैसे ही क्या करने लग जाते हैं, वैसे एक दूसरे पर आक्रमण शुरू कर देते हैं, कुत्ता और बिल्ली। ऐसी कहते हैं एक पुरानी एक संस्कृत की सूक्ति आती है कि जैसे सांप और नेवले की दुश्मनी होती है, जैसे कुत्ते और बिल्ली के आपस में दुश्मनी होती है, ऐसे ही श्रमण और ब्राह्मणों के आपस में दुश्मनी होती है, श्रमणों की और ब्राह्मणों की। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप अपना और ब्राह्मणों का पुराना इतिहास अगर उठाकर देखोगे तो ये बात आपको शत प्रतिशत सच्ची दिखाई देगी। किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण ये कोशिश करते रहे हैं कि भैया श्रमणों को हम क्या दिखाएं, नीचा दिखाएं। और कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन श्रमणों की मुनियों की भी ये चेष्टा रही है कि हम येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से गलती निकालकर ब्राह्मणों को क्या दिखाएं कि नीचा दिखाएं कि भैया तुम जो हो तुम गलत हो। और इसी तरीके से ब्राह्मणों की भी चेष्टा रही है कि नहीं तुम जो हो तुम गलत हो। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। देखो जो दूसरों को नीचा दिखाए वो ऊंचा तो कभी नहीं हो सकता, वो कभी ऊंचा तो जा नहीं सकता। जो ऊंचा हो जाता है वो दूसरों को भी ऊंचा देखता है। महात्मा गांधी जी एक बात कहा करते थे कि जो जमीन पर बैठा है ना उसे और नीचे नहीं बिठाया जा सकता, नीचे उसे ही बिठाया जा सकता है जो पहले से कुर्सी पर डेरा जमा कर बैठा हो। कुर्सी उसी की छीनी जा सकती है जो पहले से ही कुर्सी लेकर बैठा हो। जो पहले से ही जमीन पर बैठ जाए आसन लेकर उसकी कोई कुर्सी नहीं छीन सकता। जय घोष वहां पहुंचे और वहां जैसे ही वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो भैया श्रमण है, तो जैसे ही श्रमण को देखा, क्योंकि जैन श्रमणों की अपनी एक विधि अपनी एक चर्या अपना एक स्वरूप होता है, जैसे ही उनको देखा तो जो मुख्य है मुख्य होता मुख्य पंडित जो है यज्ञकर्ता वो कौन है, विजय घोष है। तो जैसे ही उनको देखा तो किसी ने देख लिया तो उन्होंने कहा करे क्या बात है, तो कहा मुझे विजय घोष से मिलना है। जैसे कहा विजय घोष जी से मिलना है, करे हाँ। तो वो ब्रह्मचारी भागता भागता गया और कहा गुरुदेव आपसे कोई मिलने आया है, कोई श्रमण है और आपसे मिलना चाहता है। तो क्या करे अच्छा, करे कह दो उससे कि यहाँ श्रमणों को भोजन नहीं मिलता। क्या कहा विजय घोष ने, कहा कि कह दो उसे जाकर कि यहाँ श्रमणों के लिए भोजन नहीं है, यहाँ केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए भोजन बना है। यहाँ केवल भिक्षा अगर दी जाती है तो केवल और केवल यज्ञकर्ता वाले ब्राह्मणों को भिक्षा मिलेगी, इसके अलावा किसी के लिए भोजन नहीं है। वो गया भागता हुआ और उसने कहा जी गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ श्रमणों के लिए भोजन नहीं है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जा सकते हो किसी और जगह, आप आहार ले सकते हो। तो जय घोष हंसे और हंसकर कहा कि अरे ब्रह्मचारी अपने गुरु को बोल कि मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं बात करने आया हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसने कहा करे अच्छा ये बात है, करे ठीक है अभी जाता हूँ। वो गया और दोबारा उसने कहा विजय घोष से कि गुरुदेव वो कह रहे हैं कि मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करने आया हूँ। तो क्या करे अच्छा, वो आए फटाफट और कहा बोलो श्रमण क्या बात है, मुझे अपने यज्ञ दीक्षा से क्यों उठाया, मैं कुछ इतना कार्य है, जल्दी बोलो जो तुम्हें बोलना है। तो क्या करे कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ विजय घोष कि तुम जो ये कर रहे हो ये फिजूल का काम है, ये निरर्थक कृत्य है, इससे तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। अब इतना बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण स्वयं विजय घोष है और कोई सामने से आकर उसे कह दे कि तेरा यज्ञ करना तेरा यज्ञ करवाना सारा का सारा निरर्थक है, तो भैया ये तो सीधी की सीधी क्या थी, ये तो सीधा पत्थर मारना था, ये तो सीधी चोट थी। तो विजय घोष एकदम से तिलमिला गया और उसने कहा श्रमण जबान संभाल कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे यज्ञ को इतना बड़ा आयोजन मैंने करवाया है, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं और इतने यज्ञ और हवन हो रहे हैं और वातावरण इतना शुद्ध है और तुम अपनी मनहूस सी शक्ल यहाँ लाकर कह रहे हो कि मेरा यज्ञ करना निरर्थक है। करे हाँ निरर्थक है, क्योंकि तुम धर्म का मुख क्या है ये तक नहीं जानते। क्या कहा कि तुम धर्म का क्या मुख है तुम ये तक नहीं जानते, तुम वेदों को तुमने पढ़ा तो है परंतु तुम्हारी हालात उस गधे की तरह है जो केवल बोझा ढोता है, परंतु वो बोझा चंदन का है या मिट्टी का है उसे पता ही नहीं है, तुम्हारी हालात गधे की तरह है।
अब जैसे ही उसे एकदम से वो तो तिलमिला गया और बुरी तरीके से कि मैं वेदों का अर्थ नहीं जानता। करे हाँ तुम बिल्कुल नहीं जानते, अगर तुम वेदों का अर्थ जानते हो तो मुझे बताओ कि धर्म का मुख क्या है, अग्निहोत्र का मुख क्या है, यज्ञ का मुख क्या है, धर्म का मुख क्या है, तो जैसे और नक्षत्रों का मुख क्या है। जैसे ये पूछा गया, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जीवन के कि तुम शास्त्र कितने भी पढ़ लो, शास्त्रों से उनके जवाब कभी नहीं मिलते, या मिलते हैं बताओ, मिलते हैं? जीवन के जो असली प्रश्न होते हैं उनके सवालों के जवाब कभी आपको शास्त्रों से ग्रंथों से नहीं मिलते, वो तो जीवन से पूछोगे तो जीवन से मिलते हैं। जैसे ही सवाल पूछा कि धर्म का मुख क्या है, नक्षत्र का मुख क्या है और अग्नि का यज्ञ का मुख क्या है, वो तो चकरा गया कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो कहीं वेदों में लिखा ही नहीं है। तो क्या करे, अगर लिखा नहीं है तो मैं तुम्हें बतलाता हूं कि धर्म का मुख है काश्यप अर्थात भगवान ऋषभदेव, क्योंकि इस युग में धर्म के आदि करने वाले कौन है, भगवान ऋषभदेव है। जैसी कहा कि अच्छा, तो क्या करे फिर नक्षत्रों का मुख कौन है, करे चंद्रमा है, क्योंकि नक्षत्रों का पति कौन है, वो चंद्रमा है, वो उनका स्वामी है। तो क्या करे अच्छा यज्ञ का मुख क्या है, तो कहा यज्ञ का मुख अग्नि है। इतना भी नहीं जानते कि अग्नि न हो तो यज्ञ यज्ञ हो ही नहीं सकता, तो अग्नि ही यज्ञ का क्या है, मुख है। जब ये बात कही तो क्या करे महामुनि आप ये बताएं, हे महाश्रवण आप हैं कौन, कि आज आप आए यहां पर क्यों आए हैं और मुझसे वार्तालाप क्यों करना चाहते हैं। तब विजय घोष को समझाते हुए जय घोष ने कहा कि विजय घोष लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई पहले का जय घोष हूँ और मैंने सम्यक मार्ग पाया है, मैंने सही रास्ता पाया है और मैं तुम्हें भी उस सही रास्ते पर, उस सम्यक मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ, और बस इतना ही तुमसे कहना चाहता हूँ कि छोड़ो ये व्यर्थ का झमेला और आओ और त्याग और तपस्या पूर्ण जो जीवन है, जो निर्जरा का जीवन है, जो सम्यक्त्व का जीवन है, जो साधुता का जीवन है, उसे अपनाओ और उसे अपनाकर अपनी आत्मा का क्या करो, कल्याण करो। जब विजय घोष ने देखा कि भाई मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आपने अपनी हालात क्या कर दी, कह रहे नहीं शरीरों का बनना और मिटना तो चलता रहेगा, परंतु जिसने अपनी आत्मा का निर्माण कर लिया, जिसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, उसी ने ही शाश्वत जीवन को पा लिया। आखिरकार विजय घोष समझ जाते हैं, विजय घोष अपने बड़े भ्राता जय घोष के साथ दीक्षित होकर दोनों भाई अनेक वर्षों का संयम का पालन करते हैं और अपने सारे कर्मों के निर्जरा करके केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से जय घोष और विजय घोष दोनों भाई अपने आत्मा का कल्याण करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये जो यज्ञीय अध्ययन है, इस यज्ञीय अध्ययन में ब्राह्मणों की जो परिभाषा जय घोष मुनि ने विजय घोष को दी, उसकी चर्चा इस अध्ययन में की गई है कि ब्राह्मण कहते किसको हैं, कैसा होता है ब्राह्मण, इसी की चर्चा इस यज्ञीय अध्ययन में की गई है। इतना ही आज, इतना ही लेते हैं, कल इसका हम इसकी गीतिका लेंगे, इसका मूल पाठ लेंगे। आज की वाचना यहीं समाप्त होती है और इसके साथ आप पहले आलोचना पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद विराम लेते हैं। श्री आगमे तिविहे पन्नते तंजाह सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हो श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होते में आलो जमवाइदम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विनहिणम जोघिणम घोषिणम सुठो दिन्नम दुट्ठो पड़िचिन्नम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम जो मे दिवसीय तस्मिच्छामी। जयनगर श्री संघ से सुरेश जी गुलेच्छा आए हुए हैं, वो दो